कवि चौपाई हम लोग देखेंगे कि चौपाई में से कुछ पद दादुर ध्वनि चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय नव पल्लव भय विपट अनेका साधक मन जस मिले विवेका। अर्थात बरसात गिरने के कारण चारों तरफ पानी भर जाता है, चारों तरफ पानी भरने के कारण यहाँ पर मेंढक निकल आते हैं और मेंढकों की ध्वनि चारों तरफ आपको सुनाई देती है और ये मेंढकों की ध्वनि सुनकर ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों का एक समूह वेद पाठ का पठन कर रहा है। चारों तरफ पेड़ पौधों पर नई नई पत्तियां आ जाती है, नई नई कोपले आ जाती है और ऐसा लगता है कि प्रकृति को किसी ने सुशोभित कर दिया हो। और यहाँ साधना करने वाला जो व्यक्ति होता है, साधना करने वाला व्यक्ति को जब विद्या प्राप्त हो जाती है तो उसका मन जैसे सुशोभित होता है, उसी प्रकार इस प्रकृति को किसी ने सुशोभित किया है ऐसा लगता है। हमारी अगली जो पंक्तियाँ है, अर्क जवास पात बिनु गयेयु जस सूरज खल उद्यम गयेयु खोजत कतौ मिलन ही धूरी करही क्रोध जिमी धरन ही धूरी। यानी इस पंक्तियों का जो भावार्थ है कि यहाँ पर दो पेड़ बताए गए हैं कि यहाँ मदार और जवासा ये दोनों पेड़ों पर पत्तियाँ नहीं होती है, पत्ती रहित पेड़ होते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अच्छे राजा के शासनकाल में कहीं दुष्ट लोगों का धंधा समाप्त तो नहीं हो गया, नष्ट तो नहीं हो गया। उसके बाद धूल आपको खोजने से भी नहीं मिलती, बरसात के कारण धूल मिट जाती है और यह देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है उसी प्रकार बरसात ने यहाँ पर धूल को नष्ट कर दिया गया हो। शशि संपन्न सोह वही जैसे उपकारी के संपत्ति जैसी निशी तम घन खद्योज विराजा जनो दम्भिन्न कर मिली समाजा। अर्थात ये धरती जो है तो ये अनाज से युक्त लहर रहती हुई नजर आती है और जब इसके ऊपर अनाज आता है तो ऐसा लगता है कि प्रकृति यहाँ पर सुशोभमान हो गई है। जैसे कि कोई उपकार करने वाला पुरुष होता है, उपकार करने वाला पुरुष जिस तरह उपकार करने के बाद वो सुशोभित लगता है उसी प्रकार यहाँ प्रकृति भी सुशोभित लगती है। उसी प्रकार रात के समय में चारों तरफ आपको जुगनू चमकते हुए नजर आते हैं और जुगनों को देखकर ऐसा लगता है कि घमंडी लोगों का एक समूह एकत्र होकर अपना घमंड यहाँ पर दिखा रहा हो। हमारी अगली जो पंक्तियाँ है, कृषि निरावही चतुर किसाना जिमी बुध तजही मोह मद माना। कृषि निरावही चतुर किसाना जिमी बुध तजही मोह मद माना देखियत चक्र बाघ खगनाही कली ही पाई जिमी धर्म पराई। अर्थात इसका जो भावार्थ है कि चतुर किसान जो होता है तो अपने फसलों की निराई करता है और निराई करते समय अपने फसलों को तैयार करता है और फसलों में से घास फूस को अलग निकाल कर वह फेंक देता है और धान को बोरी में भरता है और यह देखकर ऐसा लगता है कि जैसे विद्वान लोग जो होते हैं तो विद्वान लोगों के अंदर जो मोह मद माया उनका वह त्याग कर चुके हैं। दूसरे पंक्तियों का जो भावार्थ है कि चक्रवात पक्षी, तो ये बरसात के दिनों में चक्रवात पक्षी आपको कहीं भी नजर नहीं आता और यह देखकर ऐसा लगता है कि कलयुग में कहीं बुरी बातों का पलायन तो नहीं हो गया और ऐसा इन पंक्तियों का भावार्थ है। हमारी अगली जो पंक्तियां है कि विविध जंतु संकुल माही भाजा प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा जह तह रहे पथिक थकी नाना जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञान। कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है, अनेक प्रकार के जीव यहाँ अपना अपना जीवन जीते हैं और उससे वो सुशोभित हो गई है, शोभायमान दिख रही है और यह देखकर ऐसा लगता है कि अच्छे राजा के शासनकाल में यहाँ पर लोगों का विकास हो रहा है, लोगों की वृद्धि हो रही है। हमारी जो दूसरी पंक्ति है कि जहाँ देखो वहाँ जो राही होते हैं तो राही थक कर रुक जाते हैं। जैसे मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वह इंद्रियों उनकी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, शांत हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि विषयों की तरफ जाना उन इंद्रियों ने बंद कर दिया है और यही इन चौपाई का भावार्थ है।